बीते शुक्रवार जुम्मे की नमाज पढ़ने गए मुस्लिमों ने लगातार विरोध प्रदर्शन कर दिया था। पूरे देश में हो हल्ला मच गया था। पूरे देश में जो है प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया गया, लेकिन उसे विरोध के साथ प्रस्तुत किया गया कि वहां पर पत्थरबाजी हुई, वहां पर लाठियां गोलियां भी चली। लेकिन यह सत्य है, वहां लाठियां गोलियां चली, पत्थर भी चले, लेकिन दो पक्ष मौजूद थे, लेकिन एक पक्ष ही बात की गई। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। बीते शुक्रवार को जो कुछ हुआ वो आप सब जानते ही हैं, आपके सामने है किस तरीके से सबसे ज्यादा हिंसा जो भड़की थी वो रांची में हुई थी। जी हाँ, वहां लाठी गोलियां पत्थर सब तरीके के हथियार चले, और उसमें जो सबसे ज्यादा जान गंवानी पड़ी वो थे दो परिवार। दो परिवार के बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। परिवार से पूछिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे अब नहीं रहे। ये जो कुछ भी हुआ वो उसी जुम्मे की नमाज के चलते विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ, और लाठियां गोलियां चली, पुलिस वालों की तरफ से भी गोलियां चली, लेकिन सत्य कुछ और है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वो देखिए ऊपर गौरव सिंह गोली चला रहे हैं, पेड़ में गोली चला रहे हैं, हटन मार दे, हटन मार दे। ये देखिए लगातार लगातार फायरिंग की आवाज से गूंज उठा है रांची। तो देखा आपने इस वीडियो में जो गोली चला रहा है वो आखिर है कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो गोली चलाने वाला व्यक्ति था कौन? पुलिस वाला था या फिर एबीवीपी का गुंडा? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जिसने गोली चलाई वो एबीवीपी का गुंडा है। जी हाँ, जिसका नाम है भैरव सिंह। अब आपको एक के बाद एक मैं ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानिए, रांची फसाद में मुदस्सिर कत्ल केस में कुछ जो बातें बताई जा रही हैं वो ये हैं। बताया जा रहा है कि भैरव सिंह ने ही मंदिर की छत से मुदस्सिर को गोली मारी और प्रदर्शनकारियों पर भी फायरिंग की। अब दूसरी खास बात यह है कि भैरव सिंह एबीवीपी का असरदार पदाधिकारी है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल दोष फैलाने के लिए करता आ रहा है, ऐसा लोगों द्वारा बताया गया है। हालांकि सीएम द्वारा गठित कमेटी ने उसे दोषी करार दिया, लेकिन झारखंड पुलिस और मीडिया द्वारा बात को दबाया और छुपाया गया, क्योंकि अगर भैरव सिंह पकड़ा जाता तो दंगे में संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संलिप्तता खुलकर सामने आ जाएगी और इनका भांडा फूट जाएगा। लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता, वो किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाता है। अब आपको एक अहम बात भी बता देते हैं, ये वही भैरव सिंह है जिसने हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया था और तब गिरफ्तार भी किया गया था, मगर हिंदू संगठनों के दबाव और प्रभाव के कारण जल्दी जेल से बाहर आ गया। अब आपको भैरव सिंह की प्रोफाइल पर लेकर चलते हैं। जी हाँ, एफबी पर जो भैरव सिंह ने अपनी प्रोफाइल लगाई हुई है, प्रोफाइल पिक्चर में आप देखिए वो किस तरीके से भगवाधारी झंडे के साथ अपनी फोटो लगाता है और भगवाधारी गमछा ओढ़कर बैठा हुआ है। साथ ही उसने लगातार जो मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला है वो सब भी आप देख सकते हैं, और योगी की फोटो लगाकर भी वो इस तरीके का कारनामा करता है, यानी कि बीजेपी गुंडई को हवा देती है। आखिर ये भैरव सिंह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर क्या बताना चाहता है? कि उसके साथ ऐसे लोगों का अच्छा खासा समूह है और ऐसे लोगों के जो पावर में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों का हाथ है। आखिर ये अपनी प्रोफाइल से जाहिर क्या करना चाहता है? आप ऐसे ही संगियों के लगातार फोटो देख सकते हैं और प्रोफाइल देख सकते हैं कि वो कैसे बीजेपी की पार्टी का नाम लेकर किस तरीके से दंगा भड़काते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं। आप इनके सोचने समझने की शक्ति देखिए और लिखने का तरीका देखिए, क्या कुछ ये लिखते हैं। मारने काटने की बात इनके लिए आम हो जाती है, लगातार ये ऐसे ट्वीट करते हैं, लगातार ऐसे ये सोशल मीडिया पर लिखते हैं। आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी? और ऐसे लोगों को लगातार सत्ता से संरक्षण प्राप्त है, हमेशा से सत्ता पर सवाल उठते आए हैं इसी तरह के, इसीलिए मैं भी यही बात कह रही हूँ। आपने अभी भैरव सिंह को देख लिया, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह पूरा का पूरा सिस्टम सड़ चुका है।
दोषी होते हुए भी संगियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। न्यायपालिकाएं संगियों के आगे नतमस्तक होती नजर आती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्या वाकई में ऐसा ही है? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।